तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा कि आपको पता होगा, चैट जीपीटी एक एआई टूल होता है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि कैसे अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। उससे आप जो भी कुछ पूछेंगे वो सब आपको उसका आंसर मिल जाएगा। एनीथिंग, आप जो भी कुछ पूछना चाहें आप सिर्फ लिखेंगे और आपको सारा वहाँ पर उसका आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों, चैट जीपीटी था, इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होता था, या तो फिर आपको अपने मोबाइल, अपने डेस्क लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जाना रहता था, ताकि आप उसको अच्छे से एक अच्छा इंटरफेस के साथ वहाँ पर यूज़ करें, क्योंकि बिकॉज वो वेबसाइट पे ही चलता था। इसकी कोई ऑफिशियली ऐप नहीं थी, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप बना के चला था, बट इसकी अब ऑफिशियली ऐप लॉन्च हो गई है चैट जीपीटी की, जिसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ। iOS के लिए तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी थी आज ये 2 दिन पहले, अब ये नॉर्मल यूज़र या बोल सकते हैं एंड्रॉयड यूज़र के लिए भी लॉन्च हो चुकी है। कहाँ मिलेगी, कैसे यूज़ करेंगे, आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसए टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि बताया, मैं आपको बता रहा हूँ चैट जीपीटी की ऐप के बारे में। तो उसके लिए जाना है आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाएंगे तो आप देखेंगे, तो कुछ दिन पहले इसका एक लॉन्च हुआ हो चुका था और आपको यहाँ पर एक रजिस्टर करने के लिए बोल दिया था। बट आज मैंने जब इसको ओपन किया तो मेरे पास इंस्टॉल ऑटोमेटिक होने लगा। अगर मैं आपको लेके जाऊँ यहाँ पर चैट जीपीटी पे, आप देख सकते हैं ये चैट जीपीटी की है, ओपन एआई है। आप यहाँ पर देखेंगे ओपन एआई की तरफ से ये ऑफिशियली ऐप है। यहाँ पर आप जाएंगे तो देखेंगे आपको पता जाएगा ऑफिशियली ऐप है। नीचे की तरफ आएंगे, इस ऐप को कब रोल आउट किया गया है, जैसे कि नीचे की तरफ आएं या फिर हम अबाउट उसमें चले जाएं, अबाउट दिस ऐप में, तो इस ऐप को ओपन एआई ने ही करा है, जिसके अगर आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ओपन एआई मतलब चैट जीपीटी की ऑफिशियली वेबसाइट पे ले जाएगा, जहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि इसको डिज़ाइन करने वाले ओपन एआई वालों ने ही इसको लॉन्च किया है। यहाँ पर आप देखेंगे इस ऐप में और क्या क्या चीज़ें, अबाउट में जाऊँ, मैं अबाउट में चला गया वापस। इसमें आप देखेंगे विद द चैट जीपीटी फाइंड द इंस्टेंट आंसर, आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। इसका वर्जन नंबर है 1.0.0011 और इसको रोल आउट किया गया है 20 जुलाई 2023 को, इसको रोल आउट किया गया मतलब 2-3 दिन पहले ही, और अभी तक सिर्फ 10-11 लोगों ने इसको डाउनलोड किया है और ऑफिशियली रिलीज हुआ है 21 तारीख को, ये यहाँ पर रिलीज किया गया है ऑफिशियली। यहाँ पर आप देखेंगे वर्किंग ऑन योर डिवाइस, वर्किंग कर रहा है, और यहाँ पर अगर सी मोर पे देखेंगे तो क्या क्या परमिशन आपसे ले रहा है वो सब आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके रिव्यू में देखेंगे तो आप इसके 4.7 के रिव्यू यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, और अगर आप यहाँ पर आप देखें तो ये पूरा वही का वही चीज़ है, आपकी जो नॉर्मल आप जीपीटी यूज करते हैं सेम वैसा ही है। अब इसको आपने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड तो उसके बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, आप चाहे तो यहाँ पर बोल के भी टाइप कर सकते हैं और चाहे तो यहाँ पर आप लिख के भी टाइप कर सकते हैं। हाउ टू राइट लीव एप्लीकेशन, या मैं तो नॉर्मल आपको लिख के बता रहा हूँ, आप चाहे कुछ भी यहाँ पर पूछ सकते हैं लीव एप्लीकेशन, तो आप जैसे ही लिखेंगे वो आपको पूरा पूरा यहाँ पर लिख के बता देगा क्या क्या करना है, सब चीज़ें आपको बता देगा एक एक चीज़ यहाँ पर आपको। आप चाहे हिंदी में पूछना चाहे तो हिंदी में भी बोलेंगे तो हिंदी में भी वो टाइप करके बता देगा। तो इस तरीके से चैट जीपीटी काम करता है, और यहाँ पर आप जो चाहें यहाँ पर आप पूछ सकते हैं और उसका आंसर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। जैसे वापस मैं प्लस पर जाऊँ और मैं यहाँ पूछूँ, मैंने यहाँ पर क्लिक करा और मैंने यहाँ पर पूछा यूट्यूब पर वीडियो कैसे अपलोड करें, जैसा ही मैंने देखा आपके सामने मैंने बोल के टाइप करा और वो वैसे का वैसे ही आंसर आपको हिंदी में ही लेके बता देगा। तो इससे आप जो चाहे पूछना चाहे यहाँ पर आप पूछ सकते हैं और सबका जवाब वो आपको देने वाला है। यहाँ पर अगर 3 लाइंस में जाएंगे तो आपको यहाँ पर फ्री प्लान बता रहा है, आपकी मेल आईडी बता देगा, हिस्ट्री में आपने जो जो चीज़ें यहाँ पर सर्च करी होंगी सब आपको बता देगा, चाहे आपने डेस्कटॉप में करी हो, चाहे आपने अभी ऐप्स में करी हो, चाहे अपने iOS ऐप में करी, सब में आपको यहाँ पर दिख जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जाएँ 3 डॉट्स पे, उसके बाद यहाँ पर आप हिस्ट्री में आ गए, यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे तो अपनी सेटिंग्स में प्लान मिल जाएगा। डाटा कंट्रोल करना चाहें तो आप यहाँ पर चैट हिस्ट्री क्लियर भी कर सकते हैं, क्लियर करना चाहे, अकाउंट डिलीट करना चाहे, मेन लैंग्वेज, यहाँ पर आप डिटेक्ट लैंग्वेज को भी चेंज आउट कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगर आप साइन आउट करना चाहें साइन आउट भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये चैट जीपीटी ऐप यूज़ हो पाएगा। मुझे लगा ये वाली ऐप बहुत काम की है, लोगों को बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे इसके थ्रू, इसलिए मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू।
दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मेरे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले, और हो सके वीडियो को शेयर और लाइक कर देना। थैंक यू।